नवरात्रि में आठवें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। जानेंगे देवी के स्वरूप की पूरी कथा आज के वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूले, ताकि हमारी नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धूल हो जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।